गुरुवार को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने रामनगर में तहसील सभागार पहुंचकर अधिकारियों की बैठक लेते हुए 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि नैनीताल जिले की सीमा गड़प्पू बैरियर से रामनगर के ग्राम ढिगली तक क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांट कर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि ये बैठक ढिकुली स्थित ताज और नमा रिजॉर्ट में आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में बाहर से आने वाले डेलीगेट का भ्रमण होगा उस इलाके में साफ सफाई और सड़कें दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य और यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण और प्रचार प्रसार के लिए लगे बोर्डों को हटाने के साथ ही सरकारी भवनों और स्कूलों के बाहर साफ सफाई के अलावा रंगाई और पेंट्स करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर शुक्रवार से अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बैठक में भाग लेने वाले डेलीगेट्स कॉर्बेट पार्क के भ्रमण पर भी रवाना होंगे, जिसको लेकर वन विभाग और पार्क प्रशासन को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि G20 की बैठक उत्तराखंड के लिए अहम होगी और इसमें भाग लेने वाले डेलीगेट्स यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, ऐसा उनका प्रयास है। देखो, हम युद्ध स्तर पर इसको काम करेंगे और मुझे 100% यकीन है कि जब G20 का कार्यक्रम जो 28-29 तारीख को निर्धारित है उससे पहले हम सारे काम कर देंगे, चाहे ब्यूटिफिकेशन का काम हो, मैं पोल समय ठीक करने हो जो टेढ़े मेढ़े हैं और जितने भी बोर्ड्स होर्डिंग्स वगैरह बेतरतीब ढंग से लगे हैं उनको ठीक करना हो, या फिर ऐसे जो कस्बे हमारे रूट पे पड़ रहे हैं उनको ठीक करना हो वो ठीक करेंगे। अगर हमें अतिक्रमण हटाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हटाएंगे। हम लोग देखेंगे कि अनावश्यक रूप से हम अतिक्रमण हटाएं ताकि गरीब लोग उसमें प्रभावित न हो, और जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स वहाँ पे होंगे उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रेस्टीज का प्रश्न है, कहीं हमारी छवि भी अच्छी दिखनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, जनता के साथ साथ सभी वर्गों को एक साथ हमें मिलकर चलना होगा, चाहे होटेलर्स हो, उन लोगों से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि डिकुली वाले एरिया में जितने भी होटल्स पड़ रहे हैं, जितने भी रिजॉर्ट्स पड़ रहे हैं, कम से कम एक ऐसी सिमेट्री वहाँ पर बनाएं ताकि एक रुकता जैसे हमारे टूरिस्ट आए उनको दिखे कि कितनी बढ़िया सी सिमेट्री है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं।